हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 6 फरवरी 2020 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है नो थ्रस्ट फॉर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। देखो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आए हैं वो यूपीसी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ आपको। देखो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि जीडीपी का कितना परसेंट इंश्योरेंस प्रीमियम कवर करता है। रेशियो क्या है जीडीपी और इंश्योरेंस प्रीमियम का। और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी करते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ते हो, तो जो आप जो प्रीमियम पे करते हो, जो पैसे देते हो प्रीमियम, इसके बदले में आपको अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो जो सारा पैसा मिलता है, तो उसके लिए आपको पहले प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो इंश्योरेंस प्रीमियम जीडीपी का कितना परसेंट है, ये एक क्राइटेरिया ये देखने का कि किसी देश में कितने लोग जो हैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सोशल सिक्योरिटी के एम की बात की कि पेंशन और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के जरिए हम जो है सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं तो सही कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स इसमें नहीं लिए गए। जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, जो कि रेशियो है इंश्योरेंस प्रीमियम टू दी जीडीपी, ये एक इंडिकेटर है कि सेक्टर का डेवलपमेंट कितना हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट बढ़ तो रही है लेकिन बहुत धीरे बढ़ रही है। आप खुद देख लो, 2001 में इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन रेट थी 2.7% थी, और 2018 में 18 साल बाद 3.7% ही है। तो हार्डली 1% जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। भारत में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की इतनी कम क्यों है, हम जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट से इतना कम क्यों जुड़ते हैं। देखो, इंश्योरेंस जो दो तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपका लाइफ के लिए होता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पैसा लौटाया जाता है, जो पैसा दिया जाता है मृत्यु पे, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। और रहता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस होता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस करा ली, कार का इंश्योरेंस करा लिया, कुछ बीमारी का इंश्योरेंस करा लिया, सामान का इंश्योरेंस करा लिया, शॉप का इंश्योरेंस करा लिया। तो जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो हार्डली इन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम ही करते हैं। देखो, हमारे जो है एक तो पहले स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड और इक्विटी में करते ही नहीं है, सेविंग स्कीम्स में ही नहीं करते, और हार्डली उनमें जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें तो करते ही नहीं है। अभी जो इनकम टैक्स स्लैब निकल के आया सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया कि इनकम टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई कर दिया गया, टैक्स में छूट दी गई है, एक बात आपको ये भी पता चल गई होगी कि साथ में सरकार ने ये कहा कि या तो ये नया वाला टैक्स स्लैब अपना लो, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सेविंग स्कीम, जैसे म्यूचुअल फंड में और इक्विटी में जो आप इन्वेस्ट करते हो, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें आप पैसा नहीं डाल सकते, फिर उनमें जो है टैक्स डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो चॉइस हो गई, या तो आप इनकम टैक्स स्लैब सिंप्लीफाई करवा लो, नया करवा लो, या पहले जैसा रख लो और स्मॉल सेविंग स्कीम में टैक्स डिडक्शन ले लो। तो लोग फंस चुके, कंफ्यूज हो चुके। तो लोग जहां तक है इनकम टैक्स, अब देखो इनकम टैक्स तो भरना ही होता है, कोई इन्वेस्ट करे नहीं करे, तो इनकम टैक्स में जो है लोग यहां पे जब पे करेंगे तो यही देखेंगे किसी तरीके से स्लैब को सिंप्लीफाई करवा लो, नया वाला ही चूज कर लो, क्योंकि क्या पता इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, अभी तो कम से कम बचत हो। तो नया वाला जो कैपिटल जो ऑप्शनल जो इनकम टैक्स रिजीम अनाउंस हुआ है, इसके अंदर बेसिकली जो अर्लियर टैक्स रिजीम है उसको चेंज किया गया है, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बताया कि इससे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको इंकरेजमेंट नहीं मिलता। आप जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, खास करके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाएंगे। बजट ने इंश्योरेंस सेक्टर की एक्सपेक्टेशन को भी धूमिल कर दिया। जैसा कि सोच रखा था इंश्योरेंस सेक्टर ने कि FDI फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 49% तक ही अलाउ था, किस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 40% तक ही आ सकता है, उसके बाद में जो है डोमेस्टिक पैसा तुमको लेना पड़ेगा, बाहर से पैसा नहीं ले सकते। तो अभी 49% में थोड़ी छूट थी, इसकी आशा रख रखा था ये सेक्टर, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक कंपनी का एस्टीमेट है कि इंडिया की जो इंश्योरेंस गैप है वो $27 बिलियन है 2018 में, यानी इतना इंश्योरेंस हम अभी भी कर सकते हैं, इतना मार्केट अभी भी बढ़ सकता है। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत है अफोर्डेबिलिटी इश्यूज, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इंश्योरेंस प्रीमियम देना,
लोग दूर दराज लॉन्ग टर्म की नहीं सोच पाते, लोग प्रोडक्ट को समझ नहीं पाते और कई बार चूज़ भी नहीं कर पाते, कई बार इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं मिलती, कई बार लोग लूट भी ले जाते हैं, कंपनियों की तरफ से भी दिक्कत आती है। तो उस वजह से पेनेट्रेशन जो रेट है हमारी वो कम ही रहती है। एक होती है इंश्योरेंस डेंसिटी, ये भी एक टर्म है जो आप याद रखना, जिसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में कितने लोग जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को चूज़ कर रखें, इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस करवाए रखें। पेनेट्रेशन रेट अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एसेसिबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। एसेसिबिलिटी मतलब उसकी पहुँच, गरीब से गरीब तबका इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ले ले इतना आपको करना पड़ेगा, गैप को ब्रिज करना पड़ेगा। इससे आपको, इसके लिए आपको अफोर्डेबिलिटी लानी पड़ेगी, ग्रेटर कॉम्प्रहेंशन लाने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स को जो है फैलाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, अथॉरिटीज़ को ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम जो है एजेंट जो आता है कंपनी वगैरह का पॉलिसी का जो लेके आता है, हम उसको ना बिल्कुल शक के नज़रिए से देखते हैं कि तो पैसा लूटना चाहता है। और माहौल भी अभी कुछ ऐसा ही है कि बैंक्स पे और जो कंपनीज़ हैं उन पे ट्रस्ट कम है। तो अभी जो लोग हैं वो तो नहीं समझते ना कि बैंक्स में और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पैसा मांगने आता है, जो कहीं ना कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है, उसको शक के नज़रिए से देखते हैं। तो ट्रस्ट की एक कमी देखी जाती है, तो इन प्रोडक्ट्स के लिए अवेयरनेस करवानी पड़ेगी, बेनिफिट्स के लिए करवानी पड़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इंप्रूवमेंट करवाना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी लाई है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस एज्यूम कर लेता है, क्योंकि इन स्कीम्स के ज़रिए हम कवरेज को बढ़ा तो सकते हैं और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं जो पॉपुलेशन पीछे छूट गई। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट जो है, जिसको आप जनरल सेगमेंट भी कहते हैं, जिसमें आपकी छोटी मोटी जो इंश्योरेंस वाली चीज़ हो गई, घर की करा ली, गाड़ी करा ली, और चीज़ की करा ली, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका आ गया, तो इसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा, देखो ये ऊपर जो अपन ने देखी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये तो लाइफ इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य ये आपका नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस है, जो हेल्थ जो इंश्योरेंस वाली स्कीम है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जन आयुष्मान भारत में कि हर फैमिली को 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा और जो खर्चा है ट्रांसपोर्ट का वो भी मिलेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य का जो योजना का एक्सपेंशन है वो भी किया जा रहा है, अब 2 टायर टायर 3 सिटीज़ में भी PPP के जरिए। बजट अलोकेशन जो है इसमें दिया गया है 6,400 करोड़ का। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बजट का डाटा याद रखे कि नहीं रखे, मैं कहता हूँ डाटा आपको याद नहीं रखना, आपको केवल एक एस्टिमेट लगाना है कि हाँ जन आरोग्य योजना जो है, जो आयुष्मान भारत है, उसके लिए 6,000 करोड़ के आसपास जो है दिया गया है पैसा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट की फुली ओन्ड कंपनी है, कॉरपोरेशन है इंडिया, इसका जो है IPO करने की बात की जा रही है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी है तो जब इसमें पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं डाल सकते, तो IPO मतलब इसमें जनरल पब्लिक भी जो है अब इन्वेस्ट कर सकती है, जनरल पब्लिक इसमें पैसा डाल सके, इसके लिए IPO लाने की कोशिश की जा रही है। 100% स्टेक इसमें सरकार का है, 90% सरकार रखने की कोशिश करेगी जहां तक उम्मीदें हैं, 10% सरकार जो है वो IPO के जरिए बेचने की कोशिश करेगी, इससे जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आने की संभावनाएं हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्योंकि जब शेयर होल्डर किसी कंपनी के बढ़ जाते हैं, शेयर होल्डर अगर देखो पब्लिक अगर इसमें पैसा डालेगी तो उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक पूछेगी हमारा पैसा LIC में, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसे के बारे में सब जानकारी लेंगे। अब तक क्या होता था, डिसिप्लिन नहीं था LIC में, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। हाँ आप ये कह सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन भी तो एक तरीका नहीं है कि भाई प्राइवेटाइजेशन से जो है यहाँ पे उतना वेलफेयर नहीं हो पाएगा जितना कि गवर्नमेंट कर पाती, लेकिन अभी जरूरी है, ग्रेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। और देखो गवर्नमेंट ने जो है डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है इस साल वो 2.1 लाख करोड़ का रखा है, जबकि पिछले साल वो 1 लाख करोड़ के आसपास था, है ना। तो इतना डबल क्यों कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट आप समझते हैं ना, जब गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचने की कोशिश करती है, जो स्टॉक्स है शेयर होल्डिंग है उसको बेचने की कोशिश करती है, और जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसमें तो 49% तक सेल जो है बेचने की कोशिश करती है, स्टॉक बेचने की कोशिश करती है सॉरी। तो ये जो IPO हम ला रहे हैं इसके जरिए, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए इसको जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट ही तो है जब गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है, तो इसमें संभावनाएं हैं कि 70,000 करोड़ रुपए आए जाएंगे, इस वजह से 2.1 जो है टारगेट रखा गया है। और LIC देखो ऐसी एक एक्ट के द्वारा बनी थी, तो उस एक्ट में हमको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसका IPO निकाल सकते हो। LIC के पास 31 लाख करोड़ के असेट्स हैं और LIC सबसे बिगेस्ट जो है इंश्योरर है अभी हमारे देश में।
LIC की वैल्यूएशन 8-10 लाख करोड़ की मानी जा रही है, हालांकि 70,000 करोड़ उसके डिसइन्वेस्टमेंट से आएंगे। LIC फिर सबसे बड़ी जो है कंपनी बन जाएगी प्राइवेट एक बार होने के बाद, और LIC के पास कम से कम 12 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉई हैं जिनको आप एजेंट भी बोलते हैं, और करीब 1 लाख के आसपास जो है परमानेंट एम्प्लॉई है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो डिसिप्लिन जो है लाने की संभावना है LIC का, जब IPO लाया जाएगा पेनिट्रेशन रेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। भाई मैं कहता हूँ LIC का अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ, 10% सेल बेच रही है, तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। भाई अभी जनता को बॉटम लेवल को तो पता ही नहीं कि LIC का प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, IPO का मतलब क्या। तो ये केवल फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसके लिए है, पेनिट्रेशन के लिए अभी सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने 6,950 करोड़ रुपए नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनियों को भी जो है रिकैपिटलाइज करने का फैसला किया है। देखो LIC में NPA जो है 6% तक पहुंच चुका था, तो ये चीज़ भी ज़रूरी थी कि कहीं ना कहीं जो है उसमें NPO बढ़े इससे पहले हम उसको प्राइवेटाइज कर दें और उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की सोचें। मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो को इसमें बनाने की कोशिश की गई है, और जो मर्जर है वो भी सोचा जा रहा है। हालांकि इंश्योरेंस कवरेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कवरेज का इस पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी जो इंश्योरेंस लेने वाले हैं वही इंश्योरेंस लेते रहेंगे। जो गरीब तबका है वो अभी भी इस चीज़ से अनअवेयर है। ये जो बजट अनाउंसमेंट हुई है सेक्टर के लिए, इसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट पे। लो कवरेज को हमको कैसे ना कैसे बढ़ाना ही पड़ेगा, एंड दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अवर इकोनॉमी, बिकॉज यू नो देर आर मैनी रिस्क्स नाउ। मतलब क्लाइमेट चेंज जो है बढ़ता जा रहा है, और आप देखो कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, हमको जो हेल्थ रिलेटेड डिसीज आउटब्रेक हो रहा है, कोरोना वायरस आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस खास करके वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक रेजिलियंस के भी जरूरी है। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता गया जिसमें लोगों का इंश्योरेंस नहीं है और जो डिसीज आउटब्रेक होती गई, खतरे के खतरा बढ़ता गया, वल्नरेबिलिटीज़ होती गई, तो यहाँ पे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुँचता है। और लोअर लेवल अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का रहता है तो यहाँ पे पॉपुलेशन को जो डेट्रीमेंटल शॉक्स लगते हैं उनसे कौन बचाएगा। रिस्क यहाँ पे बचा जा सकता है इंश्योरेंस के जरिए, फाइनेंशियल रिकवरी भी हो सकती है अगर अनफेवरेबल इवेंट हो गया। तो फाइनेंशियल और क्लाइमेट चेक दोनों राइज में स्लो डाउन चल रहा है, तो इंश्योरेंस मार्केट को यहाँ पे जरूरी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाए। वही डिटरमाइन करेगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमारी ग्रोथ क्या होगी। एक फैक्टर होता है ना इकोनॉमी का, वो है ये एक, मतलब आप कह सकते हो कि इस रास्ते से हमको गुजरना ही पड़ेगा इंश्योरेंस वाले से, अगर हमको $5 trillion की इकोनॉमी बननी है तो। और इंश्योरेंस सेक्टर की अगर पोटेंशियल हमको हार्नेस करनी है जो कि एज ए ड्राइविंग फोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो हमको लो पेनिट्रेशन रेट को कैसे ना कैसे बढ़ानी ही पड़ेगी। चाहे जान लगा देंगे लेकिन उसके लिए आपको जो है पेनिट्रेशन रेट बढ़ानी ही पड़ेगी, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे जरूरी है कि पेनिट्रेशन हमको बढ़ाए, और हालांकि इस बजट ने जो है इतनी कुछ किया नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, देखा जाता आगे। प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू इंडिया बात, और ये बजट 2020 की, इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही, ट्राई की गई और सोशल सिक्योरिटी बिल्ड करने की बात की गई। बजट लाया गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को सोल्व करने की बात की गई। कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से जूझ रही है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ से जूझ रही है, और हमको अभी ज़रूरी है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएँ, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने डिसाइड कर दिया कि फिस्कल डेफिसिट हम 3.5% रखेंगे। सरकार उम्मीदें लगाई बैठी है कि प्राइवेट कंपनियां ट्रांसपोर्ट में पैसा डालेगी। सरकार 105 लाख करोड़ रुपए भी अनाउंस करने का सोच रखी है 5 सालों में, तो उसके लिए पैसा सरकार के पास तो आएगा नहीं, इसके लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। हालांकि एग्रीकल्चर, इरीगेशन और रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा सरकार ने दिया है, 45,000 करोड़ यहाँ पे दिया है। अटेंशन जो है वो जरूरी थी और दी गई वेयर हाउस को क्रिएट करने में, विलेज स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज को क्रिएट करने। मैं आपको ये पूछता हूँ, हमारे देश में क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी हंगर की दिक्कत क्यों है? हमारे देश में इतना खाना तो बन जाता है, इतना प्रोडक्शन तो हो जाता है कि वो खाना वेस्ट करने पे चल जाता है और उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी देश में बच्चे भूखे क्यों रह जाते हैं? क्यों हमारे जो हंगर इंडेक्स में उनकी रैंक 112 आती है हमारी रैंक? क्यों हमारे बच्चे 19 करोड़ लोग जो है भूखे सो जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, जो कुछ ही दिन चलते हैं, कुछ ही समय चलते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को दूर दराज इलाकों में ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्या और साथ में कोल्ड स्टोरेज की समस्या आती है, वेयर हाउस की समस्या आती है, और वेयर हाउस भी नहीं, कोल्ड स्टोरेज प्रॉपरली इक्विप्ड जिसको आपको फंड करवाना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये जो दिए हैं, हो सकता है कि इसमें वेयर हाउस की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट किया जाए, और ये ज़रूरी है, और उसको फंड किए जाने की संभावना है वियबिलिटी गैप फंडिंग से। वियबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? गैप फंडिंग,
कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें फंडिंग की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें अगर मैं पैसा लगाऊं तो उसमें जो रिटर्न है उसकी आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। ये बात इतनी सी अगर मैं बोल दूं तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो आएंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे प्राइवेट सेक्टर वालों को मनाना पड़ेगा कि आपको पैसा हम देंगे, लौटाएंगे, और इस गैप को फंडिंग करने में हमारी मदद करो। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है कि जहाँ पे कोई चीज़ कमर्शियली वायबल नहीं होती, जिसमें रिटर्न नहीं आ सकता लेकिन इकोनॉमिकली ज़रूरी है, वहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि गैप जो आ रहा है फंडिंग में वो हम भर सके। ये बहुत इंकरेजिंग स्टेप है और एक नई डायमेंशन इससे खुलेगी एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो ये तो बहुत सालों से डिमांड रही है कि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैंने सुना था एक बार कि अगर आलू की जो चावल की जो बोरियां अगर एक के ऊपर एक रख दे, ये मैं सुना था कहीं पे, जरूरी है सचो कि चांद तक वो बोरियां पहुंच जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन और जो स्टोरेज की समस्या अभी भी है। हॉस्पिटल्स ने अभी नया प्लान लाया है गवर्नमेंट के जरिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खोला जाएगा पीपीपी के जरिए, हालांकि वो एक अलग क्रिटिसिज्म उसका हो रहा है कि वो पीपीपी के जरिए गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, बजट ने ये भी कहा, अच्छा अनाउंसमेंट किया कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिससे सॉइल इरोजन कम होता है, जिससे फसलों को नुकसान कम पहुंचता है, वो वाला यूज करेंगे, केमिकल वाले जो उनको थोड़ा दूर रखो अभी। तो सॉइल हेल्थ भी इससे इंप्रूव होएगी, बूस्ट प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होएगी, और सब्सिडीज़ को भी जो है अभी देखा जा रहा है कि रेशनलाइज़ किया जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को भी बढ़ाया जाए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की गई जिसमें सागर मित्राज और फिशरीज एक्सटेंशंस और एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट की भी बात की गई। अब नेशनल जो गैस ग्रिड है 27,000 किलोमीटर, उसमें भी एक्सपेंशन करने की बात की गई। इससे ना केवल प्राइवेट असेट, इससे ना केवल असेट बढ़ेंगे बल्कि रोजगार भी मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, नेशनल गैस ग्रिड, लॉजिस्टिक्स में, एयरपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में, इनमें पैसा लगाने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो। आप लोगों को पता है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या मतलब है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार जो जितना पैसा सैलरी में लगा रही है, ऐसी जगह पैसा लगा रही है जहाँ पे वहाँ रिटर्न नहीं हो सकता, मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका नहीं है। मैं सरकार अपने जैसे सरकार जैसे डिफेंस का बजट जो है यहाँ पे अनाउंस करती है, तो यहाँ पे जो डिफेंस का जो बजट है उसमें मोस्ट ऑफ दी चंक जो है बजट का वो जाता है सैलरी वगैरह में। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसमें कोई लौट के पैसा नहीं आ रहा, वो गया तो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि मैं अगर सरकार हॉस्पिटल भी बना रही है, ब्रिज भी बना रही है, तो उससे 10 लोगों को रोजगार मिलता है और 10 लोग जो है डिमांड क्रिएट करते हैं, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर मैं 1 करोड़ रुपये का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करूँ तो 2.45 करोड़ मेरी GDP में ऐड होंगे, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पे पैसा आपका लौट के आएगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होगा। पर्सनल इनकम टैक्स आपको पता है रैशनलाइज कर दिया गया, और DDT को भी जो है रिमूव कर दिया गया है। DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बेसिकली क्या था, कब जब कंपनियाँ डिविडेंड अनाउंस करती थी, प्रॉफिट अनाउंस करती थी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो प्रॉफिट पर टैक्स लगाया जाता था, उसको अनाउंस कर दिया गया। हालांकि इससे 80,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान सरकार को होएगा, लेकिन सरकार ने जो है अभी नया जो इनकम टैक्स लाने की नया इनकम टैक्स लाया है सरकार, इसमें जो है 40,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट सरकार को मिलने की आशा है। स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़। देखो स्टार्टअप क्या होती है, स्टार्टअप समझ लो पहले। स्टार्टअप का मतलब है कि पहले ये था कि जो कंपनी 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखती थी वो पहले स्टार्टअप कहलाती थी, लेकिन अब जिनका टर्नओवर 100 करोड़ हो गया है वो स्टार्टअप कहलाती हैं। तो 25 करोड़ की 100 करोड़ हो गई, और एक बजट में ये भी अनाउंस हुआ कि जो 100 करोड़ पहले तो 25 करोड़ वाली लिमिट को ही छूट मिलती थी, अब 100 करोड़ जो टर्नओवर है उनको भी टैक्स डिडक्शन मिलने लग गया। तो एक ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि कहीं ना कहीं हम जो है हाउसिंग भी प्रोवाइड करें। आपको आवास योजना का पता होगा, इस ऑब्जेक्टिव को पूरी करने के लिए सरकार जो है डिडक्शन दे भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, और एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए। मतलब मान लो मैं जैसे लोन लेता हूँ तो लोन पे मेरे को ब्याज चुकाना पड़ता है, तो ब्याज दो अगर वो सरकार भर दे, अगर सरकार मेरी मदद कर दे तो मेरे को जो है वो हाउस सस्ता पड़ जाएगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इस तरीके से ही सरकार करवाने की कोशिश कर रही है। देखा जाएगा अब किस तरीके से काम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है करने की, लेकिन देखते हैं किस तरीके से काम होता है। मिल्किंग रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात की जा रही है। मिल्किंग रिफॉर्म्स, देखो मिल्क वाला जो सेक्टर है, डेयरी सेक्टर, इस वजह से भी न्यूज में था क्योंकि जो आपका रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, RCEP जो थी,
उसमें हमने मना इसलिए कर दिया क्योंकि दो हमारे सेक्टर जो चिंता का विषय बन रहे थे, एक तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर और आपका डेयरी सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में संभावना थी कि कंपटीशन की वजह से हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाएगी। डेयरी सेक्टर में भी कुछ इसी तरह का डर माहौल था, इसलिए हमारे देश में एक सवाल उठा कि हम कब तक इन एग्रीमेंट्स को मना करते रहेंगे कि आरसीपी आज ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमने ग्लोबल वैल्यू चेन छोड़ दी। हम कब तक इन एग्रीमेंट्स को मना करते रहेंगे? एक दिन तो आएगा ही ना जब हमको इन ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना पड़ेगा। हम ही क्यों मना किए? सबसे पहली बात तो ये, आरसीपी में हमको ही क्या दिक्कत है? ये दिक्कत आई है क्योंकि हमने जो हमारी इंडस्ट्री है उसको मजबूत नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री अभी भी जो है गवर्नमेंट के जैसे सहारा लेके चल रही है, खुद प्रोटेक्टेड नहीं है, खुद जो है मजबूत नहीं बनी जो इंटरनेशनल कंपटीशन को आउट कर सके। इसके लिए डेयरी सेक्टर पे कोशिश की गई है बजट में कि कहीं ना कहीं लाइव स्टॉक पे जो है, जो फिशरीज वाला जो सेक्टर है, मछली पालन वाला और जो डेयरी वाला जो सेक्टर है उसको स्ट्रांग बनाया जाए और सपोर्ट देने की इसमें बात की गई। इस बार जो है 12% ज़्यादा एलोकेशन इसमें दिया गया है और हर सेक्टर में, चाहे आप देख लो एनिमल हस्बेंड्री में देख लो, चाहे आप किसी फिशरीज में किसी भी सेक्टर में देख लो, पैसा बढ़ाया गया है बजट में और ये ज़रूरी भी था क्योंकि डेयरी सेक्टर में इम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हर साल डेयरी सेक्टर क्रॉप आप देख लो, अगर क्रॉप कोई फसल आप उगाते हो तो उस फसल को उगाने के लिए एक प्रॉपर सीजन होता है, तो उसके लिए रोजगार भी उसी सीजन के लिए मिलता है। लेकिन दूध तो पूरे साल बनता है ना, दूध तो डेयरी सेक्टर तो पूरे साल चलता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और जो वन ऑफ द मेजर जो अनाउंस किए गए थे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वो ये था कि मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ये नेशनल एक्शन प्लान और डेयरी डेवलपमेंट के जरिए करने की कोशिश की गई जिसमें कोऑपरेटिव और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों जो मिल्क बनाते हैं उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा हमको, दूध जो रखने की स्टोरेज है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, मार्केटिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। भाई जो गाय जो पालन करते हैं, जो दूध यहाँ पे निकालते हैं, उनको अपनी प्रॉपर प्राइस मिले और हाई क्वालिटी वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाने की सोची गई है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की गई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली, क्योंकि ज़रूरी है। अगर हम जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली चीज़ें नहीं लाएंगे ना, तब तक हम इसी तरीके से आरसीपी जैसे एग्रीमेंट से बच के रहेंगे और जो कि हमारे लिए डेट्रीमेंटल लॉन्ग टर्म में। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को, डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को मजबूत बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना पड़ेगा। कलने को आरसीपी अगर हम साइन कर भी लेते हैं तो हमारा इंडस्ट्री मजबूत रहे, प्रोटेक्टेड रहे, अपने आप ही अपने पैरों पे खड़ी रहे। और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि जो स्पर्म आर्टिफिशियल तरीके से गायों में, जो कैटल्स हैं उनमें लगा के उनकी प्रेगनेंसी करवा के और दूध जो है वो निकालने की बात की जा रही है कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। 30-70% तक मिल्क की जो है यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि ये बात जो है मुझे थोड़ी सी चुभ रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि आप आर्टिफिशियल जो है सीमेन गुमेन के गाय के अंदर जो है आप डाल रहे हो, कैटल के अंदर आप डाल रहे हो। और कई वीडियोस आई हैं कि इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है उसमें मतलब इस तरीके से जो है किया जाता है कि गायों को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, जो भैंसें होती हैं, जो गायें होती हैं उनको। मुझे काफ़ी दुख होता है ये देखते हुए कि उनको प्रोडक्शन के लिए जो है काफ़ी मजबूर किया जा रहा है, उनकी जो लिमिट है उनसे ज़्यादा उनका जो मिल्क निकाला जा रहा है, इससे हेल्थ पे उनकी प्रभाव पड़ रहा है। और ये आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है वो भी यही है कि हम किसी तरीके से लो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाए। तो इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि गायों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि चारा जो होता है, चारा फोडर फार्मिंग के लिए भी मनरेगा के अंदर पैसा अनाउंस किया कि मनरेगा को फोडर फार्मिंग के तौर पे यूज किया जाएगा। मतलब चारा उगाने के लिए भी जो है मनरेगा के अंदर रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा आपको पता है ना कि साल भर में 100 साल की गारंटी मिलती है रोजगार की, क्योंकि देश में लाइव स्टॉक हमारा जो है, जो हमारा पशु जो हमारे हैं जानवर जो है उनको चारा तो चाहिए, ग्रीन फोडर चाहिए और हर साल चाहिए, पूरे टाइम चाहिए, खाएंगे तब जो दूध निकालेंगे। और सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, देश में डिमांड और सप्लाई की बहुत बड़ी दिक्कत है फीड और फोडर की। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताया था कि बहुत बड़ा डेफिसिट है हमारा कई एरियाज़ में, तो इनको हम कहीं ना कहीं जो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक फूड एंड माउथ डिसीज है और एक ब्रुसेलोसिस डिसीज है।
फूड एंड माउथ डिसीज जो FMD जिसको कहते हैं वो भी एनिमल्स में होती है और ब्रुसेल्स में भी होती है। दोनों डिसीज इतनी खतरनाक है कि कई बार तो 100% तक मिल्क लॉस हो जाता है FMD से, और मिल्क लॉस होता है तो इस वजह से देश को 20,000 से लेकर 22,000 करोड़ का एनुअली नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको देखते हुए भी सरकार ने ऐसे तो जो है स्कीम अनाउंस की थी, सरकार ने नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर इरिगेटिंग FMD एंड ब्रुसेलिस अनाउंस की थी, जिसमें जानवरों की जो बीमारी इनको मिटाने की कोशिश की जाएगी अगले 5 साल में 2024 तक 50 करोड़ जो लाइफ स्टॉक हैं, जो जंतु हैं, जो जानवर हैं हमारे, उनको FMD से बचाया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर ये दूध देना बंद कर देंगे इन बीमारियों की वजह से तो एक बर्डन बन जाएंगे, और किसान जो है फिर इनका गलत तरीके से जो है फिर वही बात है कि एक तरीके से इकोनॉमी में नुकसान और हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको भी नुकसान, क्योंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर ही हमारा ऐसा एग्रीकल्चर में जो प्रॉफिटेबल है, फिशरीज वाला, डेयरी सेक्टर वाला। तो देखना चाहिए, हमको बीमारियों से भी बचाना चाहिए और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। किसान रेल भी अनाउंस की गई इस बजट में। किसान रेल इनिशिएटिव ये है कि इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज डेवलप की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज कैसे कि हम मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको वो क्वालिटी उसकी बनी रहे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और गुजरात और पंजाब पूरे देश की जो प्रोडक्शन है उसका, मिल्क प्रोडक्शन का 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन राज्यों से अगर साउदर्न ईस्टर्न राज्यों में अगर दूध जाए अच्छे से, मिल्क डेफिशिट, मिल्क सरप्लस रीजन से मिल्क डेफिशिट रीजन्स में जाए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जाए कैसे, कोल्ड स्टोरेज कहाँ से लाए। तो इसमें किसान रेल बनाया गया, किसान रेल, इसमें जो ट्रेन्स हैं उनमें कोल्ड स्टोरेज बनाई जाएंगी और किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। बजट में किसान जो है उड़ान भी लॉन्च की, कृषि उड़ान, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये स्कीम निकाली जाएगी जिसमें मिल्क जो है हवाई यात्रा के जरिए ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, मिल्क जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेसिकली, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बजट में, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में से टैक्स जो है वो 30% से 22% कर दिया है। तो जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, और लार्ज स्केल जो डेयरी कोऑपरेटिव है, अमूल हो गया, उनके वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स हो गए, आइसक्रीम है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल ब्रांड से कम्पीट कर सकती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया। इम्पोर्ट ड्यूटी भी हमने जो है पाउडर पर लगा दी, ठीक है, तो बटर, घी, बटर ऑयल, उसका प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। तो जो मेजर्स हैं ये अच्छे हैं एनिमल हस्बेंड्री डेयरी सेक्टर में। गवर्नमेंट का जो एम है कि 2022 तक सरकार की किसानों की इनकम हम डबल कर देंगे, ये सरकार का जो लक्ष्य है, ये पूरा होने के पथ पर एक बहुत अच्छे मेजर्स हैं। देखते हैं किस तरीके से रूरल इकोनॉमी को हम रिवाइव कर पाते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि पैसा अलोकेट कर भी दिया जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पैसा जो है पूरी तरीके से उस स्थान पर पहुँच गए। पैसा जो लगाया जा रहा है उसका इम्प्लीकेशन ढंग से हो, स्कीम का इम्प्लीकेशन ढंग से हो, क्योंकि पॉलिसी तो अनाउंस कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उस पॉलिसी का आप इम्प्लीकेशन क्या करते हो, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरीके से वो सक्सेसफुल होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने यही है कि हम आगे आके किस तरीके से काम करते हैं। गाइज, ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।